नमस्कार, इंग्लिश वर्ल्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने किसी चीज को जब बुरा कहना हो तो उसके लिए कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं, जैसे पिजरेटिव प्रीफिक्सेस जिनको हम कहते हैं, हमने उसमें डिस्कस किया था मिस, मैल, मैलेई, इल, डीवाईएस, डिस और इल। आज हम करेंगे उन प्रीफिक्स के बारे में बातचीत जिससे कुछ अच्छा हमें पता चलता है। तो हमारे के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी किसी चीज़ को अच्छा कहना है तो उसके लिए हमारे पास बेने, बिनाइन एंड यू, ये तीन प्रीफिक्स हैं हमारे पास, जिसका मतलब गुड, वेल। दोबारा से देखते हैं एक बार। इंग्लिश में जब भी हम किसी चीज़ को अच्छा कहना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास बेने, बिनाइन एंड यू, ई यू, यू, इन तीनों का मतलब गुड, वेल। तो आइए देखते हैं कैसे इन प्रीफिक्स की हेल्प से हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक हर वर्ड के अंदर बेने जो है वो कॉमन है, तो हर वर्ड में अच्छा हमें पहला जो मीनिंग आना चाहिए वो ये कि वो चीज़ अच्छी है। कैसे? सबसे पहले बेनेडिक्ट, बेने का मतलब गुड, डिक्ट का मतलब वैसे स्पीक होता है, तो बेनेडिक्ट का मतलब अ न्यूली मैरिड मैन है, जो नव विवाहित पुरुष, उसको हम कहते हैं बेनेडिक्ट। बेनेडिक्शन, बेने का मतलब गुड, डिक्ट का मतलब स्पीक, शन का मतलब एक्ट ऑफ। सो बेनेडिक्शन मींस अ ब्लेसिंग, अच्छा बोलना किसी के लिए, किसी को आशीर्वाद देना। बेनेफेक्शन, बेने का मतलब गुड, फैक्ट का मतलब टू डू, शन का मतलब एक्ट ऑफ। सो बेनिफेक्शन का मतलब द एक्ट ऑफ डूइंग गुड, अ गुड डीड, अच्छा कर्म। बेनिफेक्टर, बेने का मतलब गुड, फैक्ट का मतलब टू डू, ओ आर का मतलब करने वाला, वो व्यक्ति जो कोई अच्छा काम करता है दूसरों के लिए, अ पर्सन हु डज गुड, उसको कहेंगे हम बेनेफेक्टर, बेनिफेक्टर। ओ आर का मतलब डूअर, करने वाला। बेनिफिक, बेने का मतलब गुड, फिक का मतलब भी टू डू है या टू मेक, मेक और टू डू समथिंग। तो कोई भी चीज अगर बेनिफिट है, बेनिफिक है, तो हमारे लिए अच्छी है, फेवरेबल है, काइंडली है। बेनिफिसेंस, बेने का मतलब गुड, फिक का मतलब मेक और डू, ई एन सी का मतलब द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ। तो बेनिफिसेंस का मतलब कोई भी चीज जो अच्छी है, है? सो गुडनेस, यहां गुड का मतलब अच्छा, नेस का मतलब कंडीशन ऑफ बीइंग गुड, काइंडनेस, कंडीशन ऑफ बीइंग काइंड। बेनेफिशियल, बेने का मतलब गुड, फिक का मतलब वही मेक और डू, आई ए एल का मतलब रिलेटिंग टू, रिलेटिंग टू डूइंग गुड, यानी के यूजफुल और एडवांटेजियस, जो हमारे लिए लाभप्रद है, यूजफुल है। बेनिफिशिएट, बेने का मतलब गुड, फिक का मतलब मेक, एट हमारा वर्ब बनाने के काम आता है, तो बेनिफिशिएट करना किसी चीज को अच्छा करना, या उसकी इम्प्योरिटीज, जो उसमें कमियां हैं उनको दूर करना, टू गेट रिड ऑफ इम्प्योरिटीज। बेनिफिट, अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखें
तो बेनिफिट वो चीज है जो आपको फिट रखती है, कोई भी अच्छी चीज जो आपको फिट रखे वो बेनिफिट है, कोई भी एडवांटेज ठीक उसको हम कहेंगे बेनिफिट। सो बेनिफिट मींस एनी एडवांटेज। अगला वर्ड है हमारा बेनेवोलेंस। इसका इसमें बेने का मतलब गुड, वोल का मतलब विश, किसी के लिए अच्छा विश करना, सोचना, कामना करना, किसी के अच्छे की कामना करना। वैसे तो ये बेने, वोल और ENCE से मिलकर बना है, पर इसकी प्रोनंसिएशन है बेनेवोलेंस, द एक्ट ऑफ काइंडनेस, बिनाइन। बिनाइन एज इट इज वर्ड लिया गया है, बिनाइन का मतलब गुड, कोई भी चीज फेवरेबल है। आप देखेंगे कि शादी ब्याह के कार्ड के ऊपर लिखा होता है बिनाइन प्रेजेंस, आपकी अच्छी प्रेजेंस, ठीक। बिनिग्नंट, ये बिनाइन और ANT हमारा एक सफिक्स है। तो बिनिग्नंट मीन काइंड, बेनिफिशियल। इसके बाद है हमारा यूलजी। यू का मतलब गुड, लजी का मतलब, वैसे लॉग का मतलब होता है वर्ड। तो अ स्पीच और राइटिंग इन प्रेज, किसी के लिए अच्छी स्पीच बोलना या लिखना, प्रेज में, तारीफ में, किसी की तारीफ में जब हम कुछ चीज बोलते हैं या लिखते हैं तो उसको कहते हैं यूलजी। यू पेप्सिया, यू का मतलब गुड, पेप्स का मतलब डाइजेशन, और IA हमारा एक नाउन सफिक्स है। तो यूपेप्सिया मीन गुड डाइजेशन, अच्छा हाजमा, अच्छा डाइजेशन। यूफोबिया, यू का मतलब गुड, फोब का मतलब डर, फियर, IA नाउन सफिक्स है। जैसे हमें कभी बुरे होने की जो एक डर लगा रहता है कि कोई चीज़ बुरी ना हो जाए, उसी तरह से हमें अच्छी खबरों के लिए भी हमारे मन में एक जो हम वेट करते हैं उसकी, जो एक थोड़ा सा डर रहता है, तो अ फियर ऑफ गुड न्यूज, उसको हम कहेंगे यूफोबिया। इसके बाद है यूफोनी। यू का मतलब गुड, फोन का मतलब साउंड, जो अच्छी आवाज है, जो मन को भाने वाली आवाज है, उसको हम कहेंगे यूफोनी, एन अग्रीएबल साउंड। यूफोरिया, यूफोरिया में यू का मतलब गुड, फोर का मतलब कैरी करना, फीलिंग, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, इसको हम कहेंगे यूफोरिया। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने इंग्लिश में, जब हम किसी चीज को अच्छा कहना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्रीफिक्स मैंने आपको बताए। बाकी के वर्ड्स आपको मेरी इस बुक इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स में मिल जाएंगे। ये बुक Amazon और Flipkart पर अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में पहले से ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।